हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। फिर चाहे हम बात करें सैमसंग की तरफ से आने वाले उसके फोल्डिंग स्मार्टफोन हो, या फिर मोटोरोला की तरफ से आने वाला उसका फोल्डिंग स्मार्टफोन जो कि फ्लिप आउट स्क्रीन के साथ आता है, जिसमें आप स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स वीवो की तरफ से आने वाली उसकी स्मार्टफोन सीरीज में नेक्स्ट सीरीज जो है उसमें भी आपको डुअल स्क्रीन वाला सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपके स्मार्टफोन में आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पर LG की बात करें तो LG हमेशा से ही एक इनोवेटिव कंपनी रही है और LG ने अभी कुछ टाइम पहले अपना एक डुअल स्क्रीन वाला फोन भी लॉन्च किया था, जिस स्मार्टफोन को आप एक नोटबुक की तरह ओपन कर सकते हो, उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड स्क्रीन इजीली देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही यहाँ पर LG ने अभी रिसेंटली एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसको उसने नाम दिया है यहाँ पर LG Wing। फ्रेंड्स, इस वाले LG Wing स्मार्टफोन में आपको स्लाइड मैकेनिज्म देखने को मिलता है और इस वाले स्मार्टफोन में आपको डुअल स्क्रीन देखने को मिलती है। इसमें आप सिंपली एक स्मार्टफोन को अगर हाथ में होल्ड करेंगे, फिर आप उसको नीचे से स्लाइड करेंगे तो जो आपकी मेन स्क्रीन होगी वो ऊपर आ जाएगी और उसी स्मार्टफोन में आपको नीचे की तरफ एक और छोटी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि मेन स्क्रीन के नीचे आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, उस वाली स्क्रीन को यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस को नेविगेट कर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम इसी LG Wing स्मार्टफोन के बारे में सारी बातों को डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स जानेंगे कि इसमें फीचर्स क्या है, इसमें कैमरा कैसे है, इसकी लॉन्च डेट क्या है, इंडिया में लॉन्च कब हो रहा है, इसकी प्राइस क्या होगी। तो फ्रेंड्स, सारी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो Let's start the video. तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करें कि इस स्मार्टफोन को बनाया कैसे गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर LG का कहना ये है कि इन्होंने इस स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग में डबल लॉग स्ट्रक्चर का यूज किया है, जो कि डिस्प्ले की रोटेशन को स्टेबल बनाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें डुअल स्प्रिंग और हाइड्रोलिक डैम्पर का यूज किया गया है, जो कि फ्रेंड्स डिस्प्ले की ओपनिंग और क्लोजिंग को स्मूथ बनाने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रही थोड़ी बातें इसके हार्डवेयर के डिजाइन के बारे में। अब फ्रेंड्स अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर स्टार्ट करें इसके डिस्प्ले से, तो फ्रेंड्स LG Wing में आपको 8 इंच का एक OLED पैनल देखने को मिलता है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। और फ्रेंड्स सेम वैसे ही इसकी सेकेंडरी स्क्रीन, जो कि इसकी छोटी वाली स्क्रीन है, वो भी आपको 3.9 इंच की देखने को मिलती है और जिसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको OLED ही देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स, ये OLED टेक्नोलॉजी है LG अपने स्मार्टफोन में बहुत पहले से यूज करता है और ये जो OLED पैनल्स होते हैं डिस्प्ले के, ये बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं, तो ये इस स्मार्टफोन को यहाँ पे हल्का बनाने में भी हेल्प करेंगे। और अगर बात करें फ्रेंड्स इस स्मार्टफोन के ओवरऑल वेट की, तो फ्रेंड्स इस स्मार्टफोन में इतना सब होने के बाद भी इसका जो मैक्सिमम यहाँ पर वेट निकल कर आया है वो यहाँ पर 260 ग्राम ही है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वाला सेंसर है। और अगर बात करें इसके सेकेंडरी कैमरा की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें थर्ड कैमरा की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि टेलीफोटो और डेप्थ सेंसिंग के काम में आने वाला है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको स्क्रीन में ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पॉपअप डिजाइन के साथ आता है। अब फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और जिसमें आपको चार्जर जो होगा वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर बात करें हमारे स्मार्टफोन के मेन कंपोनेंट यानी कि प्रोसेसर की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 765G एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अब ये स्मार्टफोन 5G रेडी भी यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो फ्रेंड्स इस स्मार्टफोन में आपको जो पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है, उसमें LG ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि अगर आपका फोन कहीं ऊंचाई से गिर रहा है, तो अगर आप सेल्फी ले रहे हो उस दौरान आपका कैमरा ऑन है, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो इसका पॉपअप कैमरा होगा ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, मतलब कि अपने आप से वो क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो स्लाइड मैकेनिज्म है, इसको LG ने ऑलमोस्ट 200,000 बार टेस्ट किया है इसको ओपन और क्लोज करके, तो ये इसका जो नया वाला मैकेनिज्म है ये ड्यूरेबल तो लगता है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों देखने को मिल जाएगा, बट इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है आपको डिस्प्ले में ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके स्टोरेज वेरिएंट की, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स अभी ये 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ बहुत सारी फॉरेन कंट्री में लॉन्च हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स अगर बात करें इंडिया के एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो ये इंडिया में अप्रोक्सीमेटली दिवाली के आसपास यानी कि नवंबर में आने वाला है। और बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इसका जो प्राइस होने वाला है 45,000 के आसपास होने वाला है। अभी इसकी कंफर्म प्राइसिंग सामने नहीं आई है, इसके लिए आप चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन
आती है मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो इसी LG Bing स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएं। मैं मिलता हूं आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक। बाय बाय।